बी टाउन की सबसे फेवरेट एक्ट्रेसेस में से एक आलिया भट्ट ने रिसेंटली कॉमेडियन कपिल शर्मा के साथ कैंसर से लड़ने वाले बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज्ड एक इवेंट अटेंड किया। इस इवेंट की एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें एक्ट्रेस को बच्चों के एक ग्रुप के साथ स्टेज पर फन टाइम स्पेंड करते हुए देखा जा सकता है। क्लिप में आलिया खुशी से बच्चों के साथ डांस करती नजर आ रही है। आलिया ने बेबी पिंक पैंट सूट पहना हुआ था और बहुत ग्रेसफुल लग रही थी। आलिया ने एक बच्ची को गले लगाया। इसके अलावा वीडियो में कपिल शर्मा को भी उनके साथ डांस करते हुए दिखाया गया है। जल्द ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और फैंस कमेंट सेक्शन में पहुंच गए और आलिया के इस एक्ट पर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए उन्हें स्वीट कहा। वर्क प्लेस पर आलिया इस वक्त झगड़ा की शूटिंग में बिजी हैं। वेसन बाला की डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म डार्लिंग्स के बाद आलिया का दूसरा प्रोडक्शन वेंचर होगा। रिसेंटली आलिया ने शूटिंग के पहले दिन की एक वीडियो भी शेयर की। झगड़ा 27 सितंबर 2024 को सिनेमाज में रिलीज होगी। फिल्म को आलिया के अपने बैनर इटर्नल सनशाइन और करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस ना को प्रोड्यूस किया है। इसके अलावा डंकी ड्रॉप 4 ट्रेलर के बाद मेकर्स ने फिल्म का एक नया गाना अनवेल किया, जिसमें शाहरुख खान को अरिजीत सिंह की आवाज के साथ रियूनाइट किया गया है। सॉन्ग का नाम है ऊ माही, जिसे UAE के सैंड ड्यून्स के बीच शूट किया गया है। अरिजीत सिंह के गाए हुए और प्रीतम के कंपोज किए गए इस गाने में शाहरुख ने अपने सिग्नेचर चार्म को एक ऐसी जगह पर दिखाया है जिससे वो काफी क्लोज हैं। ये मेलोडियस ट्रैक हार्डी और मनु के कैरेक्टर्स के बीच सेल्फलेस लव को शो करता है, जो एक मुश्किल लेकिन जिंदगी बदल देने वाली जर्नी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनके दिल हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। क्या आप डंकी देखने के लिए एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट्स में बताइए।